टारगेट 61 श्लोक नंबर 106। आ श्लोक ने चार भाग में वेची ने तेनो मुखपाठ करीशु। श्लोक ना पहला भाग नु पांच वार पुनरावर्तन करीशु। सर्वकर्ता च साकारः, सर्वकर्ता च साकारः, सर्वकर्ता च साकारः, सर्वकर्ता च साकारः, सर्वकर्ता च साकारः। हवे श्लोकना बीजा भागनु पांच वार पुनरावर्तन करिशु। सर्वोपरि सदा हरिः, सर्वोपरि सदा हरिः, सर्वोपरि सदा हरिः, सर्वोपरि सदा हरिः, सर्वोपरि सदा हरिः। हवे पहला अने बीजा भागनु एक साथे चार वार पुनरावर्तन करिशु। सर्वकर्ता च साकारः, सर्वोपरि सदा हरिः, सर्वकर्ता च साकारः, सर्वोपरि सदा हरिः, सर्वकर्ता च साकारः, सर्वोपरि सदा हरिः, सर्वकर्ता च साकारः, सर्वोपरि सदा हरिः। हवे श्लोकना त्रिजा भागनु पांच वार पुनरावर्तन करिशु। मुमुक्षूणां विमोक्षाय, मुमुक्षूणां विमोक्षाय, मुमुक्षूणां विमोक्षाय, मुमुक्षूणां विमोक्षाय, मुमुक्षूणां विमोक्षाय। हवे श्लोकना चौथा भागनु पांच वार पुनरावर्तन करिशु। प्रकटो वर्तते सदा, प्रकटो वर्तते सदा, प्रकटो वर्तते सदा, प्रकटो वर्तते सदा, प्रकटो वर्तते सदा। हवे त्रीजा अने चौथा भागनु एक साथे चार बार पुनरावर्तन करिशु। मुमुक्षूणां विमोक्षाय, प्रकटो वर्तते सदा, मुमुक्षूणां विमोक्षाय, प्रकटो वर्तते सदा, मुमुक्षूणां विमोक्षाय, प्रकटो वर्तते सदा, मुमुक्षूणां विमोक्षाय, प्रकटो वर्तते सदा। हवे संपूर्ण श्लोक ने पांच वार गाईने संपूर्ण पुनरावर्तन करिए। सर्वकर्ता च साकारः, सर्वोपरि सदा हरिः, मुमुक्षूणां विमोक्षाय, प्रकटो वर्तते सदा। सर्वकर्ता च साकारः, सर्वोपरि सदा हरिः, मुमुक्षूणां विमोक्षाय, प्रकटो वर्तते सदा। सर्वकर्ता च साकारः, सर्वोपरि सदा हरिः, मुमुक्षूणां विमोक्षाय, प्रकटो वर्तते सदा। सर्वकर्ता च साकारः, सर्वोपरि सदा हरिः, मुमुक्षूणां विमोक्षाय, प्रकटो वर्तते सदा। सर्वकर्ता च साकारः, सर्वोपरि सदा हरिः, मुमुक्षूणां विमोक्षाय, प्रकटो वर्तते सदा। आ वीडियो ने लाइक अने शेयर करवानु न भूलता, अने कमेंट तो अवश्य करशो। चैनल ने सब्सक्राइब करवानु न भूलता। जय स्वामी नारायण।